बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं जो गाड़ी लाया हूँ वो है टोयोटा सियान्टा। बेसिकली ये 2020 मॉडल है और ये 2020 में भी इंपोर्ट हुई है। और जिस तरह आप देख रहे हैं, ये गाड़ी आपने पाकिस्तान में बहुत कम ही देखी होगी। इसे बेसिकली टोयोटा सियान्टा कहते हैं। सियान्टा एक स्पेनिश वर्ड है सीटा, जिसकी मानी है सेवन। तो जापानीज ने ये जो है इटालियन स्पेनिश वर्ड से डाइवर्ट किया है, और सीटा जिस मतलब सात। तो यहाँ इसमें सात सीट्स है, सात बंदे बैठने की गुंजाइश है, तो इसे टोयोटा सियान्टा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके लाइट्स ज़बरदस्त, नई टाइप, नई टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। आखिर में आपको मैं जला के भी ये दिखाऊंगा कि किस तरह ये लुक देती है। ये सेकेंड सियान्टा की सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन इसकी 2003 में जो है टोयोटा ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और जापान, ताइवान, हांगकांग और मलेशिया में ये मॉडल बनते हैं। बाकी दुनिया में ये नहीं है, सिर्फ ये तीन चार जगहों पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये गाड़ी अभी रिसेंटली जो है वो जापान से इंपोर्ट हुई है। टोटल ये तकरीबन 18,000 किलोमीटर जापान में चली हुई है, और बम्पर टू बम्पर ये जेन्युइन है। बैक लाइट आप इसके देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लुक है, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग, और ब्लैक और वाइट की कम्बिनेशन। और ये आप देख सकते हैं टोयोटा का बैच, सियान्टा, बैक वाइपर, हाइब्रिड। इसमें काफ़ी वर्जन है। ये जो है सियान्टा जी हाइब्रिड है, इसमें सिंपल भी आती है। सिंपल जो इसमें है, इसकी माइलेज तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन जो इसका हाइब्रिड वर्जन है जी, तो ये तकरीबन कंपनी जो है वो 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर जो है वो क्लेम कर रही है कि ये देती है। तो सात सीटर है, जिस तरह आप देख सकते हैं पीछे दो सीट पीछे भी है, जिसको अभी मैंने फोल्ड करके दिखाया है आपको। ये बेसिकली जो है उसकी कंपटीटर भी है होंडा की। पाकिस्तान में आपने वो फ्रीड देखी होंगी, और उस पर भी मैं इंशाल्लाह इस दोनों गाड़ियों के मैं एक साथ एक वीडियो बनाऊंगा, दोनों की कंपैरिजन भी करूंगा। तो इसमें बैटरी जो है बैक पे पड़ी हुई है। इंटीरियर की तरफ जाते हैं अभी आप। इंटीरियर इसका बहुत ज़बरदस्त है, अभी आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ मैं, बैक सीट्स भी दिखाता हूँ, स्पेसिंग वगैरह के बारे में भी। तो ये दरवाजे आप देख सकते हैं कि लाइट ग्रे कलर, और हार्ड प्लास्टिक जो है वो ब्लैक कलर में इस्तेमाल हुआ है। और ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बंदा अगर इस पर बैठ जाए तो फिर उतरने का दिल ही नहीं करता। और ये क्रोम का इस्तेमाल हुआ है डोर हैंडल्स पे और कप होल्डर्स वगैरह में। सीट्स जो है इसमें बकेट सीट लगे हुए हैं, और ये पुश स्टार्ट है। दरवाज़ा खुला हुआ है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, वहाँ मुझे दिखा रहा है कि एक डोर ओपन, डोर इज ओपन। तो ये पावर और इको और चार्जिंग मोड के ऑप्शन है। ये लाइट्स से ऑटो, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि दरवाजे यहाँ से ओपन और क्लोज हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट ये वाले आप देख सकते हैं। तो ये ऑफ भी आप कर सकते हैं, ऑफ ऑन का ऑप्शन है। ये दोनों दरवाजे आप जो है वो रिमोट से भी खोल सकते हैं, और यहाँ से भी खोल सकते हैं। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाता हूँ। यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ऑरेंज कलर की जो है वो
इसमें जो है वो लेदर की वो स्टिचिंग हुई है जो बहुत ज़बरदस्त प्यारी लुक दे रही है। लेदर पे ऑरेंज कलर की स्टिचिंग, तो गियर लीवर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे है। आपने ये गाड़ी बहुत कम ही देखी होगी, और ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। हीटिंग सीट है ये, आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों हीटिंग सीट है फ्रंट वाले। ये पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेसिंग, मतलब आप आराम से अगर हैवी बंदा भी है तो पीछे बहुत आराम से बैठ सकता है बहुत कुछ। फिर जो तीसरी सीट है वो सिर्फ बच्चों के लिए सूटेबल है, लॉन्ग ड्राइव में जो है वो आखिरी दो बंदे नहीं बैठ सकते, बड़े बच्चे बैठ सकते हैं, या फीमेल के लिए वो भी ठीक है, वो मतलब बैठ सकते हैं। ये फोल्डिंग सीट है, और यहाँ से जो है वो बंदा पीछे से भी जा सकता है और डिक्की के साइड से भी जो है बैठ सकता है। ओनर इसकी जो है वो डिमांड कर रहा है तकरीबन 39,50,000 रुपये। तो 7-7 सीटर के लिए ये मतलब मेरे ख़्याल में तो एक अच्छी ऑप्शन है। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान में फ्रीडी लोग यूज़ कर रहे थे, तो ये एक और ऑप्शन आ गई। असल में लोग रिस्क कम लेते हैं इस टाइप की गाड़ियों को इंपोर्ट करते, क्योंकि फिर रिसेल वैल्यू इसकी कम होती है, लोगों को समझ नहीं होती। तो ये एसी कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप कर सकते हैं ऑटो एसी, क्लाइमेट कंट्रोल भी है। इसमें डी के डी भी है और एक बी का ऑप्शन है। ज़्यादा पावर की अगर आपको ज़रूरत हो, एलईडी लाइट इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा लुक दे रही है एलईडी लाइट्स जो है इसके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सैम ट्रेडर। ये इंजन बे भी देख ले आप, हाइब्रिड इंजन है ये जो है, ये जी ऑप्शन है, सियांटा जी हाइब्रिड। 1500 सीसी का इंजन है और तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर ये पर लीटर देती है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं लाइट्स भी आपको दिखाऊंगा, तो बहुत रनिंग एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं, और बम्पर जिस तरह ही 2015 से ऑनवर्ड जो है टोयोटा बम्पर रिड्यूस कर रहे, इसी में भी वही डिज़ाइन तकरीबन वो उन्होंने मैक्सिमम यूज़ किया हुआ है। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सैम ट्रेडर चैनल, और आपका कीमती वक्त के लिए शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो को देखा। लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।